हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयर माइंड। माय नेम इज़ अंजलि और आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी का सीडीपी कोर्स में हम सीटेट स्पेशल हमारा एक सीरीज चल रहा है, उसमें हम टीचिंग मेथड्स एंड इन्वेंटर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले मैथड एंड इन्वेंटर्स, यानी कि मतलब बहुत सारे जो हमारे मैथड दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, ठीक, कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ प्रतिपादक हैं इनके, ठीक है, इन्वेंटर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड की। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मतलब आगमन विधि, डिडक्टिव मतलब निगमन विधि। तो इसको दिया है हमारा अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने दिया है। साइंटिफिक इनोवेशन की अगर हम बात करें तो बेकर ने किया है साइंटिफिक इनोवेशन। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड हम डीपली पहले पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके चैनल पे जरूर देखिए। इंडक्टिव मेथड मतलब नोन टू अननोन, यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है ये मेथड, एग्जांपल से रूल की तरफ जाता है। डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो वो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि फॉर्मूले से एग्जांपल की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हैं किंडरगार्टन मेथड की अगर हम बात करें तो वो दिया हमारा फ्रेडरिक फ्रोगेल ने, ठीक है। किंडरगार्टन मेथड जो दिया है हमारा फ्रेडरिक फ्रोगेल ने दिया है। किंडरगार्टन जो है एक स्कूल्स खोले गए थे जर्मनी में, तो किंडरगार्टन जो है स्कूल्स खोले गए थे जर्मनी में, और ये मेथड दिया है फ्रेडरिक फ्रोगेल ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेवे मेथड। तो प्लेवे मेथड जो है हमें दिया है फ्रेडरिक फ्रोगेल ने और हेनरी कोल्डवेल कुक ने। देखिए हेनरी कोल्डवेल कुक जो है इसलिए यहाँ पे है क्योंकि इन्होंने जो है नाम दिया था प्लेवे मेथड, ठीक है। तो अगर एग्जाम में जो है हेनरी कोल्डवेल कुक या फ्रेडरिक फ्रोगेल की जगह हेनरी कोल्डवेल कुक आ जाए तो आप वो लगाइए, अदरवाइज आप फ्रेडरिक फ्रोगेल ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड की अगर हम बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है हमारा दिया है एलेक्स फैकनी ऑसबोर्न ने। एलेक्स फैकनी ऑसबोर्न ने दिया है इन हिज बुक इमेजिन क्रिएटिव में, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो होता है हमारा ग्रुप में ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है ग्रुप में ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। बात करते हैं डॉल्टन मेथड की। तो डॉल्टन मेथड जो हमें दिया है हेलेन पार्कहर्स्ट ने। हेलेन पार्कहर्स्ट ने डॉल्टन मेथड दिया है। डॉल्टन मेथड और हेलेन पार्कहर्स्ट जो है, डॉल्टन जो है इज अ प्लेस नेम, ठीक है। तो ये जो जगह का नाम है जो है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो दिया है हमारा हेलेन पार्कहर्स्ट ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। तो प्रोजेक्ट मेथड दिया है हमारा डब्ल्यू एच किल पैट्रिक ने। प्रोजेक्ट मेथड दिया है हमारा डब्ल्यू एच किल पैट्रिक ने। परियोजना विधि, ठीक है, परियोजना विधि बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड को हिंदी में, और ये दिया है हमारा डब्ल्यू एच किल पैट्रिक ने, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है, लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है ये, प्रैग्मेटिज्म से इंस्पायर है ये। डब्ल्यू एच किल पैट्रिक जो है प्रैग्मेटिज्म से इंस्पायर्ड है। लर्निंग बाय डूइंग की यहाँ पर बात की गई है, और परियोजना विधि जो है इसको हम बोलते हैं हिंदी में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड को। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं ये, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रुप वर्क का इम्पोर्टेंस दी गई, प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड है ये मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्लाइड। ह्यूरिस्टिक मेथड की अगर हम बात करें, यानी कि अन्वेषण विधि, तो अन्वेषण विधि जो है हमें दिया है एच ई आर्मस्ट्रांग ने। तो ह्यूरिस्टिक मेथड दिया है हमें एच ई आर्मस्ट्रांग ने। माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो वो दिया है हमारा डोलाइट एलन ने। अच्छा, ह्यूरिस्टिक मेथड की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड इज मतलब प्रॉब्लम पोजिंग, हम बच्चे के स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम पोज कर प्रॉब्लम देते हैं, और वो अपनी ही इमेजिनरी से अपनी इमेजिनेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। पॉलर एंड डंकन ने इस मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बोला है, ह्यूरिस्टिक मेथड को। और ट्राई एंड एरर की बात है इसमें, और इमेजिनेशन जो है स्टूडेंट जो है इमेजिन करके चीज़ों को सीखता है, तो ये एच ई आर्मस्ट्रांग ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो टीचिंग की बात अगर हम करें वो दिया है हमारे डोलाइट एलन ने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड की अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर विधि की, तो वो दिया है सुकरात ने, यानी कि सॉक्रेट्स ने दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोशियोमेट्री यानी कि समाज मित्तीय विधि यानी कि सोशियोमेट्री मेथड दिया है जेकॉब एल मोरेनो ने सोशियोमेट्री मेथड दिया है। इसके बाद बात करते हैं मॉन्टेसरी मेथड। तो मॉन्टेसरी मेथड जो है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। मॉन्टेसरी मेथड जो है दिया है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने। इसमें क्या है, इस मेथड में जो है
बच्चा इस मेथड में सेंस के थ्रू सीखता है, खुल के खेल खेल में चीजों को सीखता है। तो जो मॉन्टेसरी स्कूल्स भी खोले गए थे, ठीक है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। बात अगर हम करें प्रोग्राम लर्निंग मेथड की, तो प्रोग्राम लर्निंग मेथड जो है वीएफ स्किनर ने दिया है, प्रोग्राम लर्निंग मेथड जो है वीएफ स्किनर ने दिया, शाखीय अभिकरण अभिक्रमण सॉरी अभिक्रमित अध्ययन विधि, अभिक्रमित अध्ययन विधि, प्रोग्राम लर्निंग मेथड वीएफ स्किनर। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, वो दिया नॉर्मन ए काउडर ने, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया है नॉर्मन ए काउडर ने। तो बेसिकली प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे रेनफोर्स होकर सीखता है चीज़ों को, ठीक है, सीखता है फिर रेनफोर्स होता है। तो रेनफोर्समेंट की बात कही गई है वीएफ स्किनर ने। और अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड की बात करें, तो वो नॉर्मन के ए काउडर ने दिया है। इन्होंने क्या किया है, प्रोग्राम लर्निंग में ही कुछ स्टेप्स को जोड़कर इसको और वाइड करके समझाया है नॉर्मन ए काउडर ने। विनीटका मेथड की अगर हम बात करें, विनीटका मेथड हिंदी में जिसे बोलते हैं शिक्षण की विनीटका विधि, ठीक है, वो दिया है कार्लटन वॉशबोर्न ने, कार्लटन वॉशबोर्न ने, ठीक है, ये एक महिला थी। तो ये क्या थी, एक महिला थी। 5 स्टेप लेसन प्लान की अगर हम बात करें, तो वो दिया हार्वर्ड ने। तो 5 स्टेप लेसन प्लान हार्वर्टेरियन मेथड जो है हमारे हार्वर्ड ने दिया है। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्लाइड, 5 स्टेप लेसन प्लान को हम डीपली अभी समझेंगे आने वाली स्लाइड में। ब्रेल स्क्रिप्ट मेथड की अगर हम बात करें, तो वो लुइस ब्रेल ने दिया है। ब्रेल स्क्रिप्ट मेथड में बेसिकली 6 पॉइंट्स होते हैं, जो इनविजिबल चैलेंज बच्चे हैं वो उन 6 पॉइंट्स को टच करके अपना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट मेथड जो है लुइस ब्रेल ने दिया है। बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो महात्मा गांधी एम के गांधी जी ने बात करी है बेसिक एजुकेशन की। 1937 में वर्धा सेशन, वर्धा स्कीम से जुड़ा हुआ है ये बेसिक एजुकेशन। वहां पर जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें ये बात डिसाइड हुई थी बेसिक एजुकेशन की, यानी कि बुनियादी शिक्षा की। तो क्राफ्ट क्राफ्ट के जरिए एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, इमिटेशन मेथड की बात करें, अनुकरण विधि की अगर हम बात करें, तो वो दिया हमारा अल्बर्ट बंडूरा ने। अनुक्रमण विधि जो है दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। साइंटिफिक मेथड की बात करें, तो फ्रांसिस बेकॉन ने दिया है साइंटिफिक मेथड जो है। इमिटेशन मेथड यानी कि हमारा अनुकरण विधि, ठीक है, साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि, तो वो दिया हमारा फ्रांसिस बेकॉन ने। रोल प्ले मेथड की अगर हम बात करें, तो वो दिया है जैकब एल मोरेनो ने। रोल प्ले मेथड बेसिकली बच्चा यहाँ पे रोल प्ले करता है और चीजों को उस तरीके से फिर सीखता है, ठीक है। बात करते हैं साइंटिफिक मेथड, ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दोबारा आ गया है ये, कोई बात नहीं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड की बात करें, तो जॉन डोई ने दिया है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब बच्चा करता है तभी सीखता है, ठीक है, जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं सीखा। तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड की बात जो है जॉन डोई ने की है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे 5 स्टेप लेसन प्लान हार्वर्टेरियन मेथड जो हमें हार्वर्ड ने दिए हैं। तो इसमें इन्होंने 5 स्टेप्स की बात की है, देखते हैं कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं वो, और इनको हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो है प्रेपरेशन, ठीक है। प्रेपरेशन से मतलब यहाँ पे है प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। 5 स्टेप्स की बात यहाँ पे की गई है हार्वर्ड ने। और पहला मेथड जो है, पहला जो स्टेप है प्रेपरेशन, इसका मतलब होता है कि व्हेनेवर, जब भी कोई टीचर जो है अपनी क्लास में जाके किसी भी टॉपिक को पढ़ाता है, तो वो अपना खुद से एक होमवर्क करके लेके जाता है। होमवर्क इन द सेंस मतलब उस टॉपिक के बारे में कुछ हिस्ट्री या कुछ साइंटिफिक चीजों से उस टॉपिक को जोड़ता है, या फिर कुछ मेमोरी से, या फिर किसी भी पास्ट आइडिया से चीजों को जोड़कर कनेक्ट करके क्लास में रिप्रेजेंट क्लास में प्रेजेंट करता है, सो दैट बच्चों का इंटरेस्ट उस टॉपिक में बना रहे और बच्चे बोर ना हो। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन मेथड की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंटेशन मेथड में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल या कुछ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की हेल्प लेने की बात की गई है, जिसमें जब बच्चा है वो चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। बात अगर हम करें एसोसिएशन की, तो न्यू आइडिया को मिलाना पुराने आइडिया के साथ कंपेयर करना, मतलब न्यू आइडिया है उसे हम पुराने आइडियाज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मिला रहे हैं, कुछ उसमें डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, कुछ सिमिलैरिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, और फिर एक नए आइडिया को बच्चे के माइंड में इम्प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे के दिमाग में दाखिल कर रहे हैं। तो यही है हमारा एसोसिएशन में। जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ये, स्पेशली एडोलेसेंट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो एडोलेसेंट के बच्चों के लिए इंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए उनके माइंड को, ताकि वो परसेप्शन और कॉन्क्रीट से परे होकर अपने माइंड को डेवलप कर पाए।
बात करते हैं एप्लीकेशन की। यस, जो भी न्यू आइडियाज है, जो भी न्यू नॉलेज जो है बच्चा गेन करता है, ठीक है, इमिडिएटली वो अपने तरीके से उस नॉलेज को, उस आइडिया को जो है इम्प्लांट कर पाए, मतलब उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है, चीजों में, डेली लाइफ में। तो ठीक है, यही सब था हमारा हार्बर ट्रेन फर्स्ट लेसन प्लान में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, सो दैट जो भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रेपरेशन चलती रहे। थैंक यू।